नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज चैनल के हेल्थ प्लस कार्यक्रम में। हेल्थ प्लस एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम हेल्थ के लिए विशेष डॉक्टरों को यहां पर बुलाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उनकी जो फील्ड है वो जिसमें काबिलियत उन्होंने हासिल किए तो उनके बारे में एक आम आदमी समझ सके उसके तौर पर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ ऐसे एक विशेष डॉक्टर मौजूद है, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर रविराज की। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर साहब की मैं बात करूँ तो डॉक्टर साहब एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब जो कैंसर का निदान करते हैं। तो कैंसर से पीड़ित काफ़ी लोग हैं हिंदुस्तान में और हो सकता है हमारे शहर में भी काफ़ी लोग हैं जो पीड़ित हैं। तो इनकी कुछ स्पेशलिटी है, उनकी खास कुछ काबिलियत है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कैंसर के बारे में बात करेंगे, उसके निदान के बारे में बात करेंगे, कॉजेज ऑफ कैंसर के बारे में बात करेंगे, ये सब बात करेंगे। उससे पहले मैं रविराज सर से एक व्यक्ति के तौर पर आपके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत छोटा था तभी, आई थिंक आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, 8वीं कक्षा में था तभी, गांव में, हमारे नेटिव गांव में एक डेथ हो गई और सिंपल सी बीमारी मलेरिया की वजह से। तब से एक ड्रीम बना कि डॉक्टर ही बनते हैं। धीरे धीरे एडवांसमेंट आता गया और कैंसर की बीमारी इतनी बढ़ रही है तो आफ्टर डूइंग माय एमएस इन बड़ोड़ा मैंने अपना स्पेशलाइजेशन टाटा हॉस्पिटल मुंबई से किया कैंसर स्पेशलिटी में। आई एम ए कैंसर सर्जन, मैं कैंसर के ऑपरेशन करता हूँ। और उसके बाद तो काफ़ी सारा एडवांसमेंट हुआ कि अभी तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज और रोबोटिक सर्जरी। तो मैंने साउथ कोरिया सियोल में से ये फेलोशिप किया है फॉर रोबोटिक सर्जरी। आई एम द ओनली रोबोटिक सर्जन इन साउथ गुजरात। क्या बात। और अभी रतनदीप कैंसर सेंटर में मैं एज अ कैंसर सर्जन एंड मेडिकल डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। सर, कैंसर जो शब्द है सुनते ही थोड़ा सा डर लग जाता है, क्योंकि अगर किसी ने ये कहा कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ तो उस व्यक्ति के पास ऊपर दया भी आता है और हमको एक डर सा महसूस होता है। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा आप दर्शकों को कैंसर क्या है उसके बारे में पहले बताइए। सबसे पहले तो सर आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी के ज़माने में जब मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति करी है तो कैंसर से डरना भी इतना नहीं चाहिए। कैंसर एक बीमारी है जैसे हर कोई बीमारी, जैसे किसी को मलेरिया हो गया, किसी को डायबिटीज़ हो गया, ऐसी एक बीमारी है जिसका इलाज हम कर सकते हैं। और इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप डर जाएं। मतलब आप अगर डायबिटीज़ से ट्रीटमेंट लेकर डायबिटीज़ के साथ पूरी लाइफ जी सकते हो, ऐसे कैंसर का भी ट्रीटमेंट लेकर पूरी लाइफ नॉर्मली जी सकते हैं। कैंसर बेसिकली अपने शरीर का अंदर का रोग है। अपने शरीर में जैसे कोशिकाएं बनती रहती है, मानो कि हाथ की स्किन है तो उसका जितनी भी कोशिकाएं हैं जो डेथ होती है रोज दिन उतनी ही नहीं बनती, नहीं बनती है। और ये ग्रोथ रेट जो है वो कंट्रोल में रहता है कोई वजह से। जैसे कुछ कुछ कारण तो हमको पता है, जैसे टबैको अल्कोहल हो गया, तो ऐसे कोई ना कोई वजह से ये ग्रोथ रेट स्पीड अप हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। और ये कोशिकाएं, मानो कि एक जगह पे 500 कोशिकाएं की जरूरत है उसके बदले 500,000 बन गई, तो ये गांठ हो जाता है। जी जी, तो एक गांठ का स्वरूप धारण करते हैं, ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। एग्जैक्टली, और यही कैंसर कहलाता है। तो जैसे आपने कहा कि भी कोशिकाएं इकट्ठा होती है, एक्यूमुलेट हो जाती है और एक ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। अब ये ट्यूमर जो है वो मलाइन है, इसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा तभी पता चल जाएगा। जी जी, जैसे कि हर एक, आपने बहुत अच्छी बात करी, हर एक ट्यूमर, हर एक गांठ जो है वो कैंसर नहीं होती है। ये जो मैंने ग्रोथ स्पीड अप हो गया बोला है, तो कैंसर की जी ये जो प्रक्रिया होती है ग्रोथ की, उसको सेल डिवीजन, कोष विभाजन बोलते हैं। ये अगर पूरा स्टेज, 6 स्टेज होते हैं, पूरे स्टेज खत्म करके जो सेल्स बनते हैं, ऐसे सेल्स की वजह से जो ट्यूमर बनती है उसको, वो सादी ट्यूमर होती है। लेकिन जो पूरे 6 स्टेज खत्म नहीं करते और इमेच्योर सेल्स का ही मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है तो ये ट्यूमर कैंसर की होती है। और ये निदान कैंसर है कि सादी ट्यूमर है ये डॉक्टर खुद भी अपने एक्सपीरियंस से कुछ बोल सकते हैं, लेकिन फाइनल डायग्नोसिस, फाइनल निदान जो है वो बायोप्सी नाम की एक टेस्ट होती है, उसी से हो सकता है। तो ये तो आपने बताया कैंसर के बारे में, लेकिन इसमें कितने प्रकार के कैंसर होते हैं ये थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। कैंसर के तो बहुत प्रकार हैं और शायद ये प्रोग्राम में हम सब कुछ ना बता पाए, लेकिन जनरलाइज जो थोड़ा समझ में आए। जी, कैंसर के प्रकार नॉर्मली 2 प्रकार को हम डिवाइड करते हैं। एक हीमोपोएटिक, मतलब कि खून के, ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर होते सेल्स कैंसर्स, क्योंकि ये
इसका ट्रीटमेंट ही अलग है. तो और दूसरे सॉलिड ट्यूमर्स, मतलब शरीर के जो अलग अलग अंग है, जैसे लीवर हो गया, स्टमक हो गया, कि अपना मुंह का कैंसर, जबड़े का कैंसर, जीभ का कैंसर, स्तन का, ये अंग अलग अलग अंग है, उसमें गांठ का स्वरूप पैदा करने वाले, इसको सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर्स बोलते हैं. और दूसरा होता है कि जो खून के अंदर जो सेल्स होते हैं, आपने शायद सुना ही होगा रक्त कण श्वेत कण, ऐसे ल्यूकेमिया बोलते हैं जी, ल्यूकेमिया, ये इसको सबको हीमोपोएटिक कैंसर बोलते हैं. उसके अंदर ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं. और जो सॉलिड ऑर्गन होते हैं, वो ऑर्गन के हिसाब से, जिस अंग के में कैंसर है उसके हिसाब से उसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है. तो महिलाओं में ज़्यादातर किस प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं? महिला में जैसे हमने अभी देखा, बात करी कि कुछ कारण की वजह से ये कैंसर डेवलप होता है, ऐसे महिलाओं में ज़्यादातर ये हार्मोन रिलेटेड कैंसर होते हैं. महिला को महिला है ऐसे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, आजकल तो ऑलमोस्ट सबको पता रहता है. और ये हार्मोन की वजह से हर महीने फ्लक्चुएशन रहता है, और ये फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ कैंसर होते हैं, जैसे कि स्तन का कैंसर और गर्भाशय का कैंसर. ये दोनों कैंसर हार्मोन डिपेंडेंट है. गर्भाशय में एक पार्ट होता है सर्विक्स बोलते हैं, गर्भाशय का मुख भी बोलते हैं, वो जो है वो कुछ हाइजीन रिलेटेड कैंसर होते हैं. तो इस ए, 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 ए सब चीज़ का मूल कारण क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, प्राइमरी कॉजेज ऑफ कैंसर? जी हजारों कारण, जो फैक्टर्स बोलते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बोलते हैं, ऐसे हजारों है जो मेडिकल साइंस को पता है. और काफ़ी ऐसे भी हैं कि आज के दिन में मेडिकल साइंस ने शायद इसका रिसर्च नहीं किया और कल को प्रूव हो, ऐसा भी होता है. लेकिन जो मेन चीज़ है वो अपना बॉडी का इम्यूनिटी है, अपना बॉडी का रोग प्रतिकारक शक्ति है, जो इसको हैंडल नहीं कर सकते. जैसे कि जो लोग तंबाकू नहीं खाते उसको भी मुंह का कैंसर पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि हर एक दिन हम लोग शरीर में जो भी खाना पीना होता है उसकी वजह से ये सेल ग्रोथ होती है और कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की संभावना रहती है. लेकिन अपनी बॉडी में इम्यूनिटी में एक नेचुरल किलर सेल करके कोष होते हैं, जो ये ऐसे एबनॉर्मल कैंसरजन्य कोष जो बनते हैं उसको तुरंत ही मार देते हैं. जब अपना बॉडी इसको फाइट नहीं कर सकता है तब जाके ये कैंसर में ये होता है. जैसे कि काफ़ी आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग तंबाकू खाते हैं उनको भी तुरंत कैंसर नहीं होता है. तो जब तक उसका शरीर फाइट कर सकता है तब तक ये कैंसर नहीं डेवलप होता है. लेकिन जब शरीर फाइट करना कम हो जाए, उसका वीकनेस होना शुरू हो, तब ये कैंसर का लक्षण शुरू होते हैं. जब तक उनकी सेना मजबूत है तब तक कुछ नहीं. जी जी सही बात है. जब तक सेना मजबूत है तो हम सुरक्षित हैं. सेना हार गई तो वो भी हार गए, सेनापति भी हार गए. एब्सोल्युटली ट्रू. तो ज़्यादातर ये जो कैंसर के पेशेंट्स आपके पास आते हैं या आपने जो पढ़ाई की है उसमें जो समझ आती है, तो सिम्टोमेटिक होगा तभी जाके उनका निदान होता है. तो इन दोनों के बारे में बताएं कि सिम्टम्स क्या होते हैं विच में लीड टू अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर अंटिल डायग्नोस्ड. तो ये जो ट्रांजिशन है उसके बारे में थोड़ा. आपने बहुत सही बताया. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि सिम्टम्स क्या, हमको कैंसर से लड़ना है. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कैंसर को 100% रोकना तो शायद पॉसिबल नहीं है. तो कैंसर से लड़ना है तो उसका बेस्ट वेपन है अर्ली डायग्नोसिस. उसको हम जितना जल्दी निदान करें और ट्रीटमेंट करें. जैसे कि मुझे डायबिटीज़ हुआ फॉर एग्जांपल, तो डायबिटीज़ का हमको करना क्या है? सिर्फ शुगर को कंट्रोल करना है. फिर वो हमको ये डायबिटीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं. पूरा ज़िंदगी मुझे मानो कि 40 साल की उम्र में डायबिटीज़ होना शुरू हुआ है और मैं 80 साल तक डायबिटीज़ लेकर रहता हूँ, फिर मेरी डेथ तो सबकी होनी है, बराबर. तो कोई प्रॉब्लम ये डिसीज से नहीं. ऐसे ही कैंसर को अगर हम प्रॉपर टाइम पर निदान कर लेते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट सही हो जाता है, तो आप कैंसर के पेशेंट तो हो गए लेकिन बाकी की लाइफ आप नॉर्मल जी सकते हो. तो ये क्योर कैंसर है, बराबर. तो इसमें दो चीज़ें, एक तो आपने बोला सिम्टम्स पता, मतलब उसके लक्षण क्या है वो पता होने चाहिए. और कुछ टेस्ट ऐसे हैं कि सब क्लिनिकल, मतलब आपको सिम्टम शुरू हो उसके पहले भी टेस्ट कराने, रेगुलर चेकअप से हम उसको स्क्रीन डिटेक्टेड कैंसर बोलते हैं. मतलब हम स्क्रीनिंग करते हैं जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है. तो मैं पहले सिम्टम बताता हूँ फिर कुछ ऐसे टेस्ट बताता हूँ जो स्क्रीनिंग के लिए ज़रूरी है. सिम्टम्स, हम हर एक ऑर्गन का, हर एक अंग का अलग अलग सिम्टम होता है. हम कॉमन कैंसर की बात करें और कुछ जनरल सिम्टम बोलें. जैसे कि कैंसर एक लेवल से बढ़ जाता है तो बॉडी में जनरल सिम्टम्स भी आते हैं. जैसे कि किसी को लीवर में है, लीवर तो शरीर के अंदर है, स्टमक में है, शरीर के अंदर है, बाहर से जल्दी पता ना चले, तो ऐसे लोगों को बढ़ जाए तो शरीर में, पूरे शरीर में चेंजेस आते हैं. जैसे कि वीकनेस आ जाना, आपको जल्दी थकावट हो, आपको
थोड़ा सा चलने में भी थकावट होता है, अचानक से वेट लॉस होने, वजन कम होना शुरू हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाता है, बराबर, ये सब थोड़े से चलने में सांस फूल जाने, ये सब लक्षण जो है वो सिस्टमिक कैंसर के लक्षण है। शरीर में कहीं पर भी गांठ हो सकता है कि कैंसर है, जरूरी नहीं कि हर गांठ कैंसर हो, लेकिन हो सकता है। तो एक बार आप डॉक्टर को चेक कराएं, जी एक बार आप डॉक्टर से चेक कराएं। अब हम बात करते हैं कॉमन कैंसर की, जैसे कि हमारे सूरत और गुजरात में तो हमने देखा है कि ज़्यादातर ओरल कैंसर, पूरे इंडिया में भी ओरल, पूरे वर्ल्ड में देखो तो उसके कंपेरिजन में इंडिया में ओरल कैंसर मतलब मुँह के कैंसर सबसे कॉमन है, बराबर। तो मुँह के कैंसर में आपके मुँह में कहीं पर भी छाला पड़ जाए, वो चाहे लाल हो या सफ़ेद हो, ये दोनों ही आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। आपको गम्स में से मतलब मसूड़ों में से खून निकलना शुरू हो जाए, अब तक दांत एकदम ठीक थे और अचानक से एक दांत लूज हो गया और गिर गया या उसमें दर्द होने लगा, ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। गले में कहीं पर यहाँ पर गांठ का स्वरूप हो, कई बार ऐसा हो कि मुँह में जल्दी पता नहीं चले, दांत के बीच में एक छोटा सा अल्सर हो गया है तो वो जल्दी पता ना चले, लेकिन उसका स्प्रेड गले में होता है, तो गले में भी कहीं गांठ का स्वरूप मिले तो हो सकता है कि आपको मुंह का कैंसर हो सकता है या गले का कैंसर हो सकता है। ऐसे ही महिलाओं में देखे कि स्तन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, ये कॉमन है, तो वो भी ज़्यादातर गांठ के स्वरूप में होता है, लेकिन गांठ अगर डीप है तो पता नहीं चलता। तो उसके सरफेस पर लक्षण क्या होता है कि स्किन, उनकी चमड़ी जो है वो खुरदरी हो जाती है, रफ हो जाती है, या निप्पल जो होती है नीटी वो अंदर खींच जाती है या कोई एक डिरेक्शन में खींच जाती है, वो कैंसर की गांठ जो है अपनी तरफ इसको खींचता है, इसकी वजह से ऐसा डिरेक्शन चेंज हो जाए या अंदर खींच जाए, या बगल में भी गांठ हो, ये भी स्तन कैंसर का लक्षण हो सकता है। जैसे कि स्त्रियों में गर्भाशय का भी कैंसर कॉमन है, तो अब स्त्रियों में तो हर महीने मासिक पीरियड आता है तो ब्लीडिंग होता है, तो और गर्भाशय के कैंसर का कॉमन सिम्टम भी ब्लीडिंग ही है, खून आना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल पीरियड का ब्लीडिंग क्या है और कैंसर का ब्लीडिंग क्या है। पहली बात कि नॉर्मल पीरियड का ब्लीडिंग है ज़्यादातर क्लीन रहता है, उसमें स्मेल या ऐसा कुछ उसके साथ और कुछ पस या और कोई डर्टी प्रवाही नहीं निकलता है, जबकि कैंसर की वजह से हुआ तो उसके साथ ये हो सकता है। दूसरी चीज़ कि आपको पीरियड के, दो पीरियड के बीच में अचानक से कभी भी ब्लड आ जाए तो भी ये कैंसर हो सकता है, या आपको जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके बाद अगर थोड़ा सा ब्लड निकल आए जो नॉर्मली नहीं निकलना चाहिए, ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज जी जी, ये अच्छा, ये भी अच्छा आपने बताया, ये सारे जो लक्षण हैं वो कैंसर है ही, ऐसा जरूरी नहीं है, तो कोई डरे नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी लक्षण हो तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखा दें, डॉक्टर को दिखा दें, क्लियर आउट हो जाए आपको। जी जी, तो आपका मानना है कि अर्ली इंटरवेंशन होने अगर करते हैं, जी अगर आप सही समय पर स्क्रीनिंग कर लेते हैं तो उसमें से निकलता है, या कोई सिम्टोमेटिक आपको लगे, हो सकता है वो कैंसर ना हो, पर अगर अर्ली इंटरवेंशन पहले स्टेज पे अगर हमको पता चलता है कि कैंसर है या कैंसर जैसा कुछ है तो उसका निदान अच्छी तरह से हो सकता है और उसमें से वो बच भी सकते हैं, बच भी सकते हैं। तो जो अलग अलग टेस्ट की बात करें तो जैसे एक मैमोग्राफी कोई टेस्ट जी, है जी, स्तन कैंसर, स्तन कैंसर के लिए, तो उससे उसके क्या फ़ायदे हैं और किस स्टेज पर करना चाहिए, वो कैसे होता है वो थोड़ा सा जी। जो हम अभी बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की, कि किसी को कोई सिम्टम नहीं है लेकिन फिर भी आपको सिम्टम आने से पहले पकड़ना है, सब क्लिनिकल डिसीज को पकड़ना है, क्योंकि ये तो बेस्ट स्टेज हो गया, आपको ट्रीटमेंट के लिए क्योर का चांसेस मैक्सिमम होता है। तो कुछ कुछ बॉडी के कैंसर है जो कॉमन कैंसर है, उसके लिए टेस्ट हमने डेवलप किए हुए हैं मेडिकल साइंस ने। एक है, हम एक एक करके बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर है, उसके लिए मैमोग्राफी के नाम का टेस्ट होता है। ये टेस्ट जो होता है वो जैसे हमको हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए तो एक्सरे कराते हैं, ऐसे मैमोग्राफी एक तरीका का एक्सरे है, स्पेशलाइज टेक्निक है लेकिन एक तरीका का एक्सरे है जिसमें स्तन का आर्किटेक्चर देख के उसके अंदर से कुछ भी एबनॉर्मल है तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आई और उसी को ट्रीटमेंट कर दिया तो ये बेस्ट उसका रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही गर्भाशय के मुख, जो हम बात कर रहे हैं सर्विक्स के, उसके लिए पैप स्मियर नाम का, पैप टेस्ट नाम का टेस्ट होता है, जो भी हर महिला को कराना चाहिए। और पुरुषों में ज़्यादातर प्रोस्टेट और कोलन, मतलब कि बड़े आंत का कैंसर अपने यहाँ ज़्यादा मिलता है, और मुंह का कैंसर तो टोबैको रिलेटेड है ही, लेकिन मुंह का कैंसर तुरंत पता चल जाए उसके कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी सिम्टम लगे तुरंत आप बता दीजिए, क्योंकि सरफेस पर है, जबकि ये प्रोस्टेट और बड़े आंत जो है कोलन है ये इंटरनल ऑर्गन है,
तो उसके लिए एंडोस्कोपी नाम का टेस्ट है जिससे हम करा सकते हैं, दूरबीन से जांच कराते हैं। और प्रोस्टेट के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, आप सोनोग्राफी कराइए और एक ब्लड टेस्ट आता है PSA बोलते हैं, ये दो टेस्ट कराओ तो उसका कैंसर आपको पता चले, उसके पहले ही डिटेक्शन, कोई सिम्टम आए उसके पहले ही डिटेक्शन हो जाए। अब इसका फ्रीक्वेंसी मैं बताऊँ, अगर कोई भी महिला 40 साल से ऊपर है तो उसको हर साल में एक बार ये मैमोग्राफी और पैप्समियर का टेस्ट कराना चाहिए, और कोई भी पुरुष 40 साल के ऊपर है उसको 3 साल में एक बार ये एंडोस्कोपी करानी चाहिए। और प्रोस्टेट जो है नॉर्मली अर्ली एज में नहीं होता है, तो 50 साल के ऊपर के पुरुषों को प्रोस्टेट के लिए ये PSA का टेस्ट, एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, जैसे आप शुगर चेक कराते हो वैसे ही कराते हैं, वो 50 साल के उम्र के ऊपर हर साल में एक बार, कोलोनोस्कोपी मतलब एंडोस्कोपी 3 साल में एक बार कराना है और बाकी टेस्ट साल में एक बार कराना है। तो सर आप रविंद्र सर आपने काफ़ी कुछ ज्ञान बटोरा हमारे दर्शकों के लिए, आपने कैंसर के बारे में बताया, उसके कॉजेज बताए, तो हम लोग थोड़ा रेमेडीज की बात करें। तो ये कैंसर डिटेक्ट होने के बाद उसके बाद एक ट्रॉमा शुरू होता है पेशेंट के साथ जी, तो इसके अंदर जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जो रेमेडीज होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किसकी, एक तो कीमोथेरेपी है तो यूनिवर्सल एक थेरेपी है, उसके अलावा नए नए टेक्निक्स संशोधन हुए हैं जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी समझ में आए कि कोई न करे, खुदा न खास्ता कभी किसी को कोई तकलीफ हो तो उनको ये पता होना चाहिए, एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए जी, कि भी इसका निदान इस हिसाब से हो सकता है और इस हिसाब से उसका इलाज भी हो सकता है। कैंसर अगर किसी को हो गया, डिटेक्ट हो गया, तो उसके इलाज 3 प्रकार के मेनली होते हैं, वैसे और भी मैं बताऊंगा, मेन 3 प्रकार जो है, एक है ऑपरेशन, सर्जरी से ट्रीटमेंट होता है, दूसरा जैसे आपने बताया कीमोथेरेपी, तो तीसरा होता है रेडियोथेरेपी। ऑपरेशन तो सब समझ पाते हैं कि जहाँ पर भी गांठ का स्वरूप है, जैसे स्तन में गांठ है या मुंह में गांठ है, तो वो पार्ट को निकालते हैं। ऑपरेशन में हमेशा हम ऐसे रखते हैं कि एक सेफ्टी मार्जिन रखते हैं, कैंसर का हम सब अभी जानते हैं कि कैंसर का टेंडेंसी रहता है स्प्रेड होने का, तो एक मिनिमम 1 सेंटीमीटर का सेफ्टी मार्जिन का नॉर्मल टिश्यू भी उसके बाजू का निकाल कर ऑपरेशन किया जाता है, तो एक ऑपरेशन ऐसे होता है। दूसरा कीमोथेरेपी। अब कैंसर जो है वो, जैसे कि मानो कि मुझे ये उंगली में कैंसर हुआ है, अगर मैं 2 ही दिन में इसका ट्रीटमेंट कर भी देता हूँ तो भी हर मिनट में 70 से 90 बार मेरा हार्ट पंप करता है, तो जो ब्लड यहाँ आता है वही ब्लड पूरे शरीर में जाता है, तो ये कुछ ना कुछ सर्कुलेटिंग सेल्स, कैंसर का इफेक्ट ब्लड में रहता है। लोग उसको जंतु बोलते हैं, लेकिन मैं जंतु बोलना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जंतु से ऐसा लगता है कि कहीं बाहर से आते हैं, जबकि कैंसर खुद का रोग है ये। नहीं तो ये मैंने सही में सब ऐसे सुना है, देखा भी है अपनी लाइफ में, कि काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, उसको अगर एजेड हैं तो उसके बच्चे हैं तो उसके पास नहीं जाते, उसका खाना अलग करते हैं, कैंसर चेपी रोग नहीं है। तो जैसे कि ये शरीर में जो सर्कुलेटिंग सेल्स कैंसर के पहुंचते हैं उसको ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी ऐसे नाम बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ है नहीं। कीमोथेरेपी मेडिसिंस होते हैं जो ब्लड में दिए जाते हैं इंजेक्शन या सलाइन के फॉर्म में, और ब्लड में जाके वो कैंसर के सेल्स को ढूंढते हैं। अब लोग डरते क्यों हैं कीमोथेरेपी से, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब जैसे कि हमने कोई भी दवाई खा ली, साहब सिंपल से आपको बुखार आया और पैरासीटामोल खा ली, तो भी एसिडिटी होने का साइड इफेक्ट तो चांस तो है, तो ये बड़ी दवाइयां हैं तो उसका साइड इफेक्ट है, तो डरते हैं, लेकिन ये सारे साइड इफेक्ट रिवर्सिबल है, मतलब कि जब तक ट्रीटमेंट चलेगा तो तब तक ये साइड इफेक्ट आएंगे, उसके बाद नहीं आने हैं, और जब तक ये ट्रीटमेंट चलता है तब भी डॉक्टर उसको मॉनिटर करते रहते हैं। आपको कैंसर का जितना जोखिम है उतना जोखिम कीमोथेरेपी का नहीं है। डॉक्टर समझते हैं कि बॉडी को कितना डोज देना चाहिए। अगर कोई पेशेंट में ऐसा होता है कि हम नॉर्मल फुल डोज दें और उसके बाद साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर उसका डोज रिडक्शन कर देते हैं। तो ट्रीटमेंट से इतना ना डरो, ये जो भी है इतना समझो कि कैंसर हुआ तो आपके कुछ महीने, 3-4 महीने जैसा नॉर्मली पीरियड होता है सर्जरी कीमोथेरेपी सब मिला के, कुछ महीने आपके थोड़ी तकलीफ में जाने, उसके बाद सब ग्रीन है। तीसरा ट्रीटमेंट के बाद बारे में बात करें, वो रेडियोथेरेपी होता है। आप सबने एक्सरे सुना है, ऐसे ही कुछ किरण रहते हैं, जैसे एक्सरे क्ष किरण, ऐसे ही कुछ किरण रहते हैं, प्रोटॉन बीम थेरेपी होती है, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी होती है, ऐसे कुछ किरण रहते हैं जो रेडियो एक्टिव रहते हैं और वो ये कैंसर के ऊपर इफेक्ट करते हैं, बराबर। तो ये एक तरीके का लोकल ट्रीटमेंट, जहाँ ट्यूमर है या ऑपरेशन के बाद भी कई बार देना पड़ता है, स्टेज ज़्यादा है तो जो जहाँ पर ट्यूमर था
वो एरिया पर रेडिएशन का ट्रीटमेंट लोकलाइज्ड जी, इट्स अ लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट, और बॉडी में जहाँ फैला है उसके लिए ट्रीटमेंट है ये कीमोथेरेपी। कुछ अभी नई नई टेक्नोलॉजीज जो बनी है उसमें, जैसे हमने अभी सोचा कि सेना जब तक मजबूत है, तभी आपने बहुत अच्छा बताया, तभी तो सेना को मजबूत करने के लिए ये नई डेवलपमेंट हो रही। अभी कैंसर में इम्यूनोथेरेपी ये नया एक ये है। अभी मैंने बताया ना कि सर्कुलेटिंग सेल ये मेडिकल साइंस में अभी रिसर्च का सबसे बड़ा टॉपिक है, उसको कैसे टेकल किया है, क्योंकि कैंसर रिकरेंस जो होता है वापस आता है, उसका सबसे बड़ा रीजन सर्कुलेटिंग सेल। अगर सवाल ही वो था जी, अगर उसको हमने कंट्रोल कर लिया तो परफेक्शन आ जाना है। तो इसलिए मेडिकल साइंस अभी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है सर्कुलेटिंग सेल्स पर। और ये इम्यूनोथेरेपी है, वो ऐसा होता है कि जो कैंसर की कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए है। क्यों? क्योंकि कीमोथेरेपी काम कैसे करता है, अब दवाई तो वेन से ब्लड में चली गई, उसको कैसे पता चलेगा कौन सा सेल कैंसर का है? तो उसका अभी तक का कोड ऐसा बनाया था कि जो भी रैपिडली डिवाइडिंग, कैंसर जल्दी फैलता है तो डेवलप होता है, तो जल्दी जल्दी जिसका ग्रोथ होता है ऐसे सेल्स को ये दवाई मारती है। अब बॉडी में सिर्फ कैंसर का ग्रोथ फास्ट नहीं होता, जहाँ जहाँ पर भी आपका ये घर्षण ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होता है। जैसे कि आपका हेयर ग्रोथ, नेल्स बढ़ते हैं, हेयर बढ़ते हैं, तो उसके जो बेस सेल्स होते हैं वो भी उसको मार देते हैं। जैसे कि अपना ब्लड सेल्स, ये रेगुलर बनने वाले हैं, तो बोन मैरो जो है उसके ऊपर भी ये कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट आता है। तो ये साइड इफेक्ट क्या, किसी के बाल झड़ जाते हैं, किसी के मुंह में अल्सर हो जाते हैं, किसी को पेट में एसिडिटी हो जाती है, ये सब बिकॉज ये कीमोथेरेपी की दवाई जो है वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये फास्ट डिवाइडिंग सेल्स है तो ये कैंसर हो गया। तो ऐसे इसी वजह से इसके साइड इफेक्ट जी अंदर डिसोरिएंट कर देते हैं। इम्यूनोथेरेपी और कुछ नया एक वर्ड है टारगेटेड थेरेपी, ये ऐसे काम करता है कि अभी जो कैंसर बनाने वाली केमिकल प्रक्रिया है उसी को पकड़ते हैं, और ये प्रक्रिया को रोकने के लिए कुछ एजेंट्स बनते हैं जिसको टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, जो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे बॉडी खुद ही कैंसर के सामने फाइट कर ले। तो ये दो तीन नई चीज़ें हैं, और जिसको हो ही गया है और ऑपरेशन की ज़रूरत है इसमें, तो अभी आप लोगों को सबको पता है लैप्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती है, जिसमें पहले मानो कि पेट का कैंसर हुआ या पेट में कोई भी बीमारी होती है तो पूरा चीरा करके पूरा के पेट काट के जो ऑपरेशन करते हैं अभी दूरबीन से होते हैं। तो कैंसर के ऑपरेशन भी दूरबीन, जैसे मैं बताया कि मैं रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग ले चुका हूँ, तो रोबोट से भी ऑपरेशन रोबोट खुद ऑपरेशन नहीं करता, डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन ये मूवमेंट ट्रांसफर होती है। तो रीअकरेंस की अगर हम बात करें, जैसे आपने थोड़ा बहुत समझाया अभी, तो क्या चांसेस रहते हैं रीअकरेंस के? ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पर, एक डिसीज फैक्टर होता है और एक पेशेंट फैक्टर होता है। डिसीज फैक्टर मतलब कौन से स्टेज में और कौन से टाइप का कैंसर है, जैसे कि मुंह का कैंसर है उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो कौन से स्टेज में पकड़ा गया, अर्ली स्टेज में है तो रिकरेंस का चांस कम है। अगर स्तन कैंसर का एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल रफली ऐसा समझ के रखो कि फर्स्ट स्टेज में पकड़ा गया तो इन द रेंज ऑफ 90% क्योर रेट होता है, मतलब रिकरेंस रेट हार्डली 10% है। अगर सेकंड स्टेज में है तो 70-80% रहता है, अगर थर्ड स्टेज में है तो 60-80% रहता है, अगर लास्ट स्टेज में है तो ये फाइनल स्टेज है, फोर्थ स्टेज इज फाइनल स्टेज जिसमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ऐसे केसेस में रिकरेंस का कोई मतलब कंप्लीट क्योर का कोई चांस नहीं है, क्योर ही नहीं होगा तो रिकरेंस का कोई मतलब नहीं। आपकी एक नई अस्पताल है जी, जो मैं मानता हूँ कि ऑन्कोलॉजी पे फोकस करता है जी, तो थोड़ा सा आपके अस्पताल में के बारे में थोड़ा बताइए, वहाँ की जो फैसिलिटीज है जी, कैसे आप वहाँ का जो सिस्टम है जी, क्या 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 है आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जी, तो थोड़ा दर्शकों को बताए, तो कभी उनको जरूरत पड़ी तो आपका संपर्क कर, भगवान ना करे। लेकिन रतनदीप हॉस्पिटल में, हमारा जो हॉस्पिटल है उसके अंदर हमने कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ध्यान दी है, जैसे कि अभी हम बात करते थे आपने बोला कि कैंसर एक डर पैदा करता है, तो हम लोगों ने जो हमने कुछ अलग करा है, ऑपरेशन के लिए साधन तो ऑलमोस्ट हर एक हॉस्पिटल में होते ही है, हमारा हॉस्पिटल भी स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है ऐसे ये रखते हैं, इवन हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन भी हमने अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के गाइडलाइन के हिसाब से किया है। कितने बेड का हॉस्पिटल है? इट्स अ 50-bedded हॉस्पिटल, 50-bed का हॉस्पिटल। तो लेकिन हम कुछ खास करके कैंसर के लिए हम ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं कि कैंसर का जो एक होलिस्टिक अप्रोच है, कि कैंसर का एक बार कैंसर हो जाए तो उसका स्ट्रेस लेवल जो है उसके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं, उसका डाइट जो है उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं, और
कैंसर होने के बाद, नॉर्मली जब कैंसर होता है ना तो लोग डर जाते हैं और यही सोचते हैं कि मेरी जान बच जाए, जबकि अभी जैसे मैंने बोला आपकी मेडिकल साइंस में इतना डेवलपमेंट है कि कैंसर का इलाज तो हो ही जाता है, जान तो बची जाती है। अब साल दो साल के बाद पेशेंट को उसका बॉडी का जो लॉस है, जैसे मुंह का कैंसर हो गया और जबड़ा पूरा काट दिया, उसका कुछ प्लास्टिक सर्जरी ठीक से नहीं किया, उस टाइम पे पेशेंट को नहीं समझता है क्योंकि डरे हुए हैं, लेकिन साल दो साल जी लिए उसके बाद वो लॉस याद आता है कि अब मुंह ठीक दिख नहीं रहा है या चबाने में दिक्कत आ रही है या बोलने में दिक्कत आ रही है। हाँ जी, तो हम लोग ये चीज़ को हमेशा ध्यान देते हैं कि कई बार पेशेंट खुद ना भी बोले लेकिन उसके लिए, जैसे कि महिलाओं में स्तन का कैंसर होता है तो हर लोग डर जाते हैं, पूरा स्तन निकालने की बात करते हैं। हर एक केस में ज़रूरी नहीं होता है, अब के केस में ऑलमोस्ट 80-85% केसेस में हम स्तन को बचा सकते हैं। इवन थोड़ा सा एडवांस सेकंड थर्ड स्टेज में पकड़ा गया तो भी टेक्नोलॉजीज हैं कि हम स्तन को बचा सकते हैं, क्योंकि वो महिला को तब नहीं होता लेकिन साल भर दो साल के बाद अभी कैंसर का डर चला गया तब जाके डर लगता है। तो जहाँ पर भी फिजिबल है तो हम सामने से पेशेंट को समझाते हैं कि आप डरो नहीं और ये ट्रीटमेंट कराओ तो आपका फंक्शन भी, तो कैंसर में हम लोग नॉर्मली तीन टारगेट रखते हैं। पहला टारगेट होता है कैंसर क्लियरेंस, मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट सही से हो और वापस आने का चांस मिनिमम हो। सेकंड होता है उसका टारगेट होता है वो बॉडी का फंक्शन, मतलब कि अगर मुंह का कैंसर है तो उसका चबाना, खाना पीना, बोलना, ये हम टारगेट करते हैं। और थर्ड टारगेट रहता है उसका लुक्स, पेशेंट का जो दिखाव है वो कहीं पर भी ये नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, वो हम ध्यान देते हैं। सर, आपके इतने अच्छे करियर के अंदर आपने कुछ अचीव भी काफ़ी कुछ किया है, सुना है कि आपने, आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है जी, जी। और कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक आपने डेवलप करी है सर्जरी में, तो उसके बारे में थोड़ी जो विशेषता है जो आपने हासिल की है, एक तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और जो टेक्निक है उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी बताऊँगा, जैसे मैं अभी आपको वही समझा रहा था कि हम लोग ये ध्यान देते हैं, मैं पर्सनली ये मेरा मोटो है कि ये हमारा डॉक्टर का फर्ज बनता है कि हम पेशेंट को समझाएं कि भैया आप जियोगे वो टेंशन ना करो, लेकिन आप जब जियोगे तो थोड़े टाइम के बाद आपको ये दिक्कत आनी है। तो ये हमेशा मेरा ध्यान रहता है कि जहाँ पर भी फंक्शन और कॉस्मेसिस, मतलब लुक्स जो है वो मेंटेन हो पाए वो करना चाहिए। तो कुछ सालों पहले 2011 में मैंने ये रिसर्च किया था कि मुँह के कुछ कैंसर जो अर्ली स्टेज में पकड़े जाते हैं वो मुंह खोल के अंदर ही ट्रीटमेंट, उसका ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन उसका स्प्रेड होने का चांस होता है नेक में, जिसको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। अब इसके ऑपरेशन के लिए यहाँ पर स्कार बनता है पर परमानेंटली, ये तो नेक तो जो है तो दिखाई देता है। तो ये मैंने सोचा कि ये स्कार भी क्यों हो, अगर प्राइमरी ट्यूमर मानो कि किसी के टंग में, जीभ में है तो ये तुरंत अंदर से ही निकल सकता है, तो बाहर का स्कार भी क्यों आना चाहिए। तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप की, जैसे कि अब पेट के अंदर हम लेप्रोस्कोपी या रोबोट से ऑपरेशन करते हैं, ऐसे एक एंडोस्कोपिक नेक डिसेक्शन होता है, तो गले के बीच के भाग में यहाँ पर कॉलर के नीचे एक छोटा सा छेद करते हैं जिससे कैमरा, दूरबीन, अंदर एंडोस्कोप डालकर हम ये पूरा सर्जरी ख़त्म करते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट का क्वालिटी जो है, उसका कैंसर का क्लियरेंस है वो उतना ही रहता है जितना नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज जी, लेकिन उसका फंक्शन जो है और लुक्स जो है, बाहर कोई भी स्कार नहीं आता, और उसकी वजह से कई बार ये शोल्डर में मूवमेंट में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आता है, ये भी ये टेक्निक से कम होता है। Correct. तो ये इसके लिए आप जैसे बता रहे हो, इसके लिए अमेरिका में 2014 में इसको बेस्ट रिसर्च अवार्ड भी मिला है। क्या बात है सर, खूब खूब जी। और यही एक टारगेट रहता है कि हम जहाँ तक हो सके स्कारलेस सर्जरी करें, एंडोस्कोपी से ऐसा ट्रीटमेंट करें कि पेशेंट को बाहर से दिखे ही नहीं कि ऐसा मुंह में कुछ कैंसर हुआ था। और बाकी जो आप लिम्का रिकॉर्ड और गिनीस रिकॉर्ड जो बता रहे हो, वो सर बेसिकली कुछ मेरा भी फर्ज बनता है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं सोसाइटी को गिव बैक करने के लिए, तो गिनीस में जब नॉमिनेशन हुआ था वो मैंने 101 घंटे के लिए नॉनस्टॉप कैंसर सर्जरी करी थी और सारे पेशेंट्स को हमने फ्री ट्रीटमेंट दिया था। क्या बात है जी, ये कहाँ पर हुआ था? ये सूरत में ही एक हॉस्पिटल में, जहाँ मैं पहले काम करता था, भरत कैंसर हॉस्पिटल में, वहाँ पर 2011 में सर हुआ ये कैंप हमने किया था, जिसमें 101 आवर्स नॉनस्टॉप कैंसर सर्जरीज हमने परफॉर्म करी थी, वो एब्सोल्युटली फ्री। ऐसे ही लिम्का रिकॉर्ड्स भी कुछ चेकअप कैंप्स, जैसे हम बात करते हैं कैंसर के बारे में, ऐसे अर्ली डिटेक्शन के बारे में भी कुछ काम करने चाहिए। तो 2012 में एक ओरल कैंसर का कैंप किया था जिसमें 2200 पेशेंट को एक ही दिन में चेकअप किए था, तो उसकी वजह से रिकॉर्ड में नाम आ गया और
2013 में इसमें डांग जिले में जो आदिवासी महिला हैं, तो हमने पूरे अक्टूबर महीना ब्रेस्ट कैंसर मंथ बोलते हैं, तो उसमें पूरे महीने में हमने 40,000 महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर का चेकअप किया था। क्या बात है। जी जी, तो उसके लिए रिकॉर्ड में नाम आए हैं। बहुत बढ़िया। तो दर्शक मित्रों, आपने डॉक्टर रविराज से हमने जो बातचीत की वो भी सुना, उनके कैंसर के जो जो कॉज है, जो उसका निदान क्या है, इलाज क्या है, कैसे होता है, तो इसमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही, और उनका समाज के प्रति जो भी उनका कर्तव्य था वो भी उन्होंने निभाया, और उसके लिए उनको अच्छे अवार्ड भी मिले हैं। हम थोड़ा सा और उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आज आप दिव्यांग न्यूज़ चैनल पे आए हो, हमारी जो संस्था है कनुभाई से मिले हो आप जी, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा प्रतिभाव हमारे कनुभाई के लिए और थोड़ा हमारे संस्था के लिए दीजिए। क्या बात है, मैं ये मेरा सद्भाग्य है कि कनुभाई के बारे में मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, क्योंकि कनुभाई को मैं तब से जान रहा हूँ जब से मैंने करियर शुरू करी थी, और ये अपने आप में एक प्रेरणा मूर्ति है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा पता है कि ये संस्था दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, कि जैसे कि उनको घर से लेकर आने से लेकर पूरा उनका पढ़ाई करना, उनका टैलेंट भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनका टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, ये सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं करते, और मतलब किसी को संगीत में अच्छा है तो संगीत का डेवलपमेंट होता है, जी जी जी, तो ये बहुत अच्छी बात है, और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि यहाँ से कुछ डॉक्टर तक बन के निकले हैं दिव्यांग बच्चे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया सर, मेरा अंत में एक प्रश्न, हम कार्यक्रम के अंत पर आ चुके हैं जी, तो आज के युवाओं को कैंसर ना हो या कोई रोग ना हो, उसके लिए एक संदेश मैं चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बोलना ही चाहिए, क्योंकि भारत देश तो ऐसा है कि जिसमें युवाओं की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, और अपनी नई जनरेशन ही है जो ये सब डिसीज़ के बारे में जानकर ये कर पाए। आप युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि आप लोग सबसे पहले व्यसन से दूर रहो, ये तंबाकू, अल्कोहल, जो भी व्यसन है इससे दूर रहो, क्योंकि ये जब शुरुआत में जब आपको यंग एज में होता है ना तो फील नहीं होता है, इसका पेमेंट लास्ट में आता है, और जब आपके पास ये रिवर्सिबल नहीं होता है, तब आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने 20 साल की उम्र में तंबाकू चबाया था, 40 साल की उम्र में कैंसर हो गया, अब जाके मैं रिवर्स कर लूँ, ये नहीं होता, उसका इफेक्ट बॉडी में रह जाता है, और ये लॉन्ग टर्म होता है, करते टाइम आपको पता नहीं क्या मज़ा आता है, लेकिन पता तो नहीं चलता कि इसकी साइड इफेक्ट क्या होनी है, तब अच्छा लगता है कि ये स्टाइल है या जो भी आप कंसिडर करें, तो आप इससे दूर रहा करो। दूसरी बात कि जैसे ये नॉलेज आप सुन रहे हो, मतलब आप थोड़ा सा तो अलर्ट हो, और ये नॉलेज जो है उसको स्प्रेड करो, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में अभी तक लोग, जैसे कि किसी को आप पूछो ना कि आपको, आपके पापा को कभी डायबिटीज़ है, तो हाँ से फट से बोल देता है कि हाँ डायबिटीज़ है, शर्म नहीं आती, बताने में डर नहीं लगता, संकोच नहीं होता, जबकि कैंसर ऐसा है कि एक सामान्य बीमारी है, लेकिन फिर भी लोग संकोच करते हैं, किसी की मम्मी पापा को कैंसर तुरंत बोलते नहीं है, तो आप ये समाज में से ये जो टैबू है, एक संभावनाएं है, इसको हटाओ, ओपनली बात करो इसके बारे में, तो ही आप लोगों को एडवाइस कर पाओगे और लोग खुद भी अवेयर हो जाएंगे। थैंक यू। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ आज डॉक्टर रविराज ऑन्कोलॉजिस्ट साथ में थे, और हेल्थ प्लस के इस कार्यक्रम में काफ़ी हमने उनसे बातचीत की, तो मैं आपकी ओर से, हमारी ओर से उनको खूब खूब धन्यवाद कहूँगा, और हेल्थ प्लस का ये कार्यक्रम यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, दोबारा उपस्थित होंगे एक विशेष डॉक्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।